न्यू टेक चार्जर्स एक नए हफ्ते की हो गई है शुरुआत और ढेर सारी नई टेक न्यूज भी आ गई हैं। तो जानने के लिए लास्ट तक देखिए वीडियो। मैं हूं अश्वाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। दोस्तों तो हर दिन की तरह शुरुआत करते हैं एपिसोड की सबसे पहली खबर से। OnePlus इंडिया में आज 40 इंच का नया अपना स्मार्ट टीवी 4T Y1 लॉन्च करने जा रहा है। इस स्मार्ट टीवी के अंदर 93% कलर गैमूत मिलेगा, यानी कि ज्यादा ब्राइट कलर और ज्यादा मिलियंस ऑफ कलर आपको मिलने वाले हैं डिस्प्ले पे, जिससे कि हर पिक्चर हर वीडियो आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देने वाली है। वैसे दोस्तों इस टीवी के क्या प्राइस रहेंगे ये तो लॉन्च के बाद ही पता चल सकता है। अब देखते हैं दोस्तों कि किस टाइम तक OnePlus इंडिया में इसे लॉन्च करता है, लेकिन आज कंफर्म है ये चीज तय है। बाकी बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद अगली खबर की तरफ। फ्लिपकार्ट पर मोटोरोला के स्मार्टफोन्स इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की सेल हो गई है एक बार शुरू, जिसको नाम दिया गया है फ्लिपकार्ट मोटोरोला सेल बैक। अब इस नई सेल के अंदर आपको ढेर सारे नए ऑफर्स मिल सकते हैं। सेल में आपको बता दूं कि 5,999 रुपए से प्राइस हो रही है शुरू अलग अलग प्रोडक्ट्स की। तो आपको अगर चाहिए तो फ्लिपकार्ट पर जाकर मोटोरोला के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस या फिर गुड्स को चेक कर सकते हैं और अगर आपको परचेस करना है तो फायदा भी उठा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, लेकिन आपसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अब आते हैं वापस से अपनी खबर पे। अगली खबर है एप्पल आईफोन 13 के बारे में। दोस्तों इसी साल सितंबर या अक्टूबर में ये सीरीज भी लॉन्च होने वाली है। अलग अलग रेंडर्स बहुत सारे हमने देखे हैं, लेकिन एक पुख्ता रेंडर ट्विटर पे ट्वीट किया गया है जो कि काफी वायरल हो रहा है। इस रेंडर में आपको फाइनली जो नोच अभी तक एप्पल की आईफोन सीरीज में मिल रही थी वो अब खत्म होने जा रही है, यानी कि पंच होल कटआउट डिस्प्ले आपको मिलने वाली है। बाकी डिजाइन जैसा एज यूजुअल आईफोन की 2-3 सीरीज में कंटिन्यू चली आ रही है वैसा ही आपको मिलने वाली है, यानी कि कर्व्ड एजेस होंगी और वही फ्लैट डिस्प्ले मिलेगी। बाकी दोस्तों एक थोड़ा सा डिस्प्ले में अलग एक्सपीरियंस मिलने वाला आईफोन 13 में, थोड़ा इंतजार करते हैं। और भी बहुत सारे रेंडर्स और लीक्स फोन को लेके जल्दी ही सामने आएंगे। इसके बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आप में से ज्यादातर लोगों ने जब पहली बार इंटरनेट यूज किया होगा तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से दिया जाने वाला पीसी या लैपटॉप डेस्कटॉप में इंटरनेट एक्सप्लोरर को ही यूज किया होगा। अब ये दोस्तों IE जिसको शॉर्ट फॉर्म से जाना जाता है बंद होने जा रहा है। वैसे पिछले साल से ही इस बारे में पहले ही माइक्रोसॉफ्ट ने जानकारी दे दी है। इसका ओल्ड वर्जन जो था वो 2022 में पूरी तरीके से क्लोज होने जा रहा है। वैसे तो ये पहले ही क्लोज हो जाना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने थोड़ा सा इसका टाइम जो है वो आगे एक्सटेंड भी कर दिया था। तो दोस्तों धीरे धीरे करके लोग इसको रेस्ट इन पीस और अलग अलग तरह से इसको याद कर रहे हैं। अगर आपकी भी कोई कमाल की याद इस IE से जुड़ी हुई है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। बढ़ते हैं इसके बाद अगली खबर की तरफ, जो कि Xiaomi से आ रही है। Xiaomi भी 1 जून को करने जा रहा है इंडिया में अपना नया स्मार्ट टीवी 40 इंच का 4A, यानी कि इसका नाम दिया गया है Xiaomi Mi 4A 40। अब ये स्मार्ट टीवी दोस्तों बेजल लेस डिस्प्ले पैनल के साथ आ रहा है, यानी कि आपको किसी भी तरह का कोई भी डिस्प्ले पे बेजल देखने को नहीं मिलेगा। और भी ज्यादा ब्राइट ज्यादा कलर कॉम्बिनेशन के साथ में इस स्मार्ट टीवी को लॉन्च किया जा रहा है इंडिया में। अब दोस्तों इसके प्राइस अभी क्लियर नहीं हुए हैं, लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म्स पर Xiaomi की तरफ से इसको लेके काफी कुछ दोस्तों शेयर किया जा रहा है, ताकि इसको लेके काफी मार्केटिंग भी की जा सके। बाकी आपको बताएंगे कुछ भी इसके बारे में और ज्यादा डिटेल सामने आए। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि Realme से है। Realme 31 मई को करने जा रहा है इंडिया में अपना नया स्मार्टफोन X7 Max 5G को लॉन्च। ये पहला स्मार्टफोन होगा Realme की तरफ से या किसी भी कंपनी की तरफ से जो कि MediaTek Dimensity 1200 चिपसेट के साथ में लॉन्च किया जाएगा। इस फोन के अंदर आपको बता दूं 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले है, साथ में पीछे की तरफ ट्रिपल रियर कैमरा दिया जा रहा है, 50W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी इस फोन में मिलेगा। यानी कि कुल मिला के फोन दोस्तों काफी पावरफुल और बेहतर परफॉर्मेंस वाला होने वाला है। अब इंडिया में दोस्तों इसके एग्जैक्ट प्राइस क्या रहेंगे थोड़ा इंतजार करते हैं। वैसे तो ये फोन मई में पहले ही हफ्ते में लॉन्च होने वाला था, लेकिन ये जो लॉकडाउन वगैरह है दोस्तों इसकी वजह से इसकी लॉन्च को पोस्टपोन करके अब दोबारा से 31 मई को फिर से लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद अगली खबर भी Realme से है। Realme 2 नए स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। ये दोनों स्मार्टफोन कौन से होंगे और क्या क्या इसमें स्पेसिफिकेशन मिलने वाले हैं अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन एक चीज
जरूर सामने आ रही है कि पिछले ही हफ्ते क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778 चिपसेट और 870 चिपसेट के साथ में ये दोनों स्मार्टफोन कंपनी लेके आएगी। वैसे इसके अलावा एक और डिटेल आपको बता दूं कि 25 मई को चाइना के अंदर रियलमी ने एक लॉन्च इवेंट पहले से सेट किया हुआ है। क्या स्मार्टफोन इसी डेट में लॉन्च होंगे दोस्तों अभी कहा नहीं जा सकता, अभी बहुत सारी डिटेल हो सकता है, रियलमी कुछ छुपा रहा हो, पर्दे के पीछे रख रहा हो और एग्जैक्ट डेट में ही उसका खुलासा करे, जो भी कुछ होगा आपके सामने आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। और इसके बाद आज की आखिरी खबर ASUS से है। ASUS ZenFone 8 सीरीज ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, लेकिन इंडिया में इसकी लॉन्च पोस्टपोन्ड कंपनी ने कर दी थी। फाइनली आपको बता रहा हूं कि 8 सीरीज अब वापस इंडिया में लॉन्च होने जा रही है, लेकिन नाम को लेकर जो सेंसेशन चल रहा था वो अब क्लियर हो गया है। ZenFone के नाम से इसको इंडिया में नहीं लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में Zen और ZenFone के नाम से ऑलरेडी दूसरी कंपनी के पास ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, इसलिए कंपनी इसे 8Z के नाम से लॉन्च करेगी, जैसे कि 6Z के साथ में किया था कंपनी। एपिसोड कैसा लगा है नीचे कमेंट करके बताते हैं, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़े दीजिए हम साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।